दोस्तों ये एक यूएस से मंगवाए है, अपने स्टूडेंट ने भेजा है, जो एनिमल मतलब गायों का टैगिंग करने का मशीन है, और ये बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल गुजरात में। जो अच्छे पुराने और समझदार ब्रीडर जो है वो करते हैं, लेकिन ये सबको करना चाहिए। इससे एक अपनी ब्रांड बनेगी और फ्रॉड लोग जो निकल जाएंगे, लोग काफ़ी लोग कहते हैं कि ये इनकी गाय है, ये उनका है, ये इनका नंदी है, तो झूठ बोलने वाले सारे लोग निकल जाएंगे, और एक अपना गोधन है उसका एक संरक्षण होगा और एक टेकिंग होगा, एक ब्रांड बनेगी कि भाई चलो ये गाय इनकी है, ये गाय इनकी है। जैसे विदेशों में आप एक कुत्ता भी देखेंगे तो कुत्ते के कान में भी टेकिंग है, और ये हम लोग इतने पीछे हैं कि इसका ये हमारे पास आज इतनी 10-10 लाख की गाय बिकती है गुजरात में, लेकिन टेकिंग 2-4 लोगों के पास ही है। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि छोटे मोटे कोई भी ब्रीडर हो, सबके पास टेकिंग मशीन होना चाहिए और अपनी गाय का एक पहचान बननी चाहिए। और ये बहुत कीमती नहीं, लगभग 20-22 हज़ार में यहाँ पहुँच जाता है यूएस से, और ये सबके लिए सस्टेबल है और गाय को कोई दर्द भी नहीं है। आपको मैं अभी खोल के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसमें नंबर भरे जाएंगे और उसके बाद जो है इसमें ये टैगिंग किया जाएगा। आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं ये जो है ABCD है पूरा, और जैसे हमारा गिर गौ जतन है तो हम G लगाएंगे, जैसे हमारी नचिता की सीरीज है तो उसमें N लगाएंगे, ऐसे हर एक का ये अलग अलग वो है, तो उस प्रकार से एक अपना ब्रांड बनेगा और सभी गोपालकों को ऐसा करना चाहिए। इसमें अच्छे से सिस्टम है, आप देख सकते हैं ये इसमें सेट हो जाएगा अच्छे से। फिर अब एक भी है जीरो खड़ा हुआ था। अब इसमें इंक लगेगी और इसके बाद इसको कान पे ऐसे दबा के थोड़ी देर रखना है, दबा के ले लेना है ताकि वो चमड़ी के अंदर कलर चला जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं जो छप गया है नंबर, इस प्रकार से वो कान के अंदर छप जाएगा। ये मशीन जो है ये गाय को जो हॉट मार्किंग करते हैं ना, गर्म करके जला के जो करते हैं, उससे गाय को काफ़ी तड़पन होती है, काफ़ी दर्द होता है, और ये लगभग 1-1 महीना तक ठीक नहीं होता, गाय लंगड़ी चलती है, कई कई बार उसमें पस भी हो जाता है और बहुत बड़ा दर्द होता है। तो इनके सामने ये बहुत अच्छी चीज़ है, और कान में हल्के से टैगिंग हो जाएगा और गाय को कोई परेशानी नहीं होगी और अपना टैगिंग हो जाएगा। दोस्तों ये जो है ना नॉर्मल टैगिंग चीज़ है, पेच से जो टैगिंग किया जाता है ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसका उपयोग टैगिंग के लिए करना चाहिए। और हर एक गोपालक, भारत की कोई भी नस्ल हो, साहिवाल, गिर, कांकरेज, राठी, कोई भी हो, सब गोपालकों को टैगिंग करना चाहिए और इस विषय को सरकार तक पहुंचाना चाहिए, और सरकार को भी इस विषय में आगे आना चाहिए। जैसे विदेशों में कुत्तों का टैगिंग है, गाय का टैगिंग है, बकरे का टैगिंग है, ससले का है, सभी घोड़े का, सब चीज़ों का टैगिंग है। हमारे भारत में परंपरा नहीं है और उनके कारण कई बार नुकसानियाँ होती है, रोग का शिकार होता है लोग जानवर, और जानवरों की पहचान नहीं बनती है। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है और मैं आपको एक ट्रायल करके दिखाता हूँ। और इस प्रकार से स्पिरिट वाला जो है, जो इससे कान की सफाई करना है, ऐसे ऐसे बिल्कुल बढ़िया से, और इसके बाद इसके ऊपर हिंक लगा देनी है। Thank you.
ये बहुत आसान तरीका है, कोई भी बिना परेशानी से ये टैगिंग मशीन से बहुत अच्छा टैगिंग हो जाता है, आप कर सकते हो और ये कोई भी कर सकता है। बस इसमें अच्छे से सफाई करना है और एक बार एक गाय या एक दूसरे एनिमल को एक बार लगा के इसको स्पिरिट या पेट्रोल या कोई अच्छे केमिकल से इसको स्टरीलाइट करना है ताकि इसके अंदर जो भी जीवाणु आए हैं इनके खून से वो दूसरे के अंदर डेवलप ना हो। तो इस प्रकार से विशेष ध्यान भी रखना ज़रूरी है।